एयर एक्सप्लोरर्स, मैं दिव्यांशु, मैं अभिषेक। हाँ, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल यहाँ ट्रैवल ऑफ पर। तो आज का हमारा विजिट होने वाला है तुगलकाबाद फोर्ट, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनवाया था। तो आई हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं इस ब्लॉग के लिए। हम दोनों, आप भी, हम दोनों, तो आप भी हो एक्साइटेड। चलिए फिर शुरू करते हैं, मज़ा आने वाला है गाइस। हे गाइस, आई थिंक हम पहुंच चुके हैं तुगलकाबाद फोर्ट, और ये हमारे अभिषेक भाई वापस हाथ दिखाते हुए। तो इसकी कुछ एंट्रेंस ऐसी है कि ये कुछ स्टेप्स, और ये भाई व्हाट अ शॉट। ओके, तो वो हमारा गेट है, एंट्री गेट ऊपर की तरफ। तो आज भाई हमें घुमाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं वहाँ जो गेट दिख रहा है आपको, वैसे 52 गेट्स थे बट अब 13 ही बचे हैं। तो आइए चलते हैं। वो हाँ, हम चल रहे हैं उस गेट की तरफ जहाँ जाकर हमें टिकट्स मिलने वाली हैं, ताकि हम तुगलकाबाद फोर्ट को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। तो चला जाए। ये तो हम तुगलकाबाद फोर्ट बस गेट पर पहुँच ही रहे हैं, ऐसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये बगल में ये रिजर्वर, वाटर रिजर्वर पहले था, अब नाला हो चुका है। तो हाँ, तो हम चल रहे हैं, तो आइए चलते ही हैं। हे, तो ये गेट है जहाँ से हमने अभी एंटर किया। अभी ऑनलाइन टिकट्स मिल रही हैं, तो हमने ऑनलाइन के थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट ठीक है, काफ़ी सही है। ये अभिषेक भाई, और हमें यहाँ कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये किस लिखा हुआ है, गयासुद्दीन आफ्टर असेंडिंग रिटायर्ड एनक्लोजर टावर नॉन अंडर वेसल्स। आप पढ़ सकते हैं ना, ठीक है, पॉज करके आप पढ़ लेना। 5 किलोमीटर में ये, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत तगड़ा व्यू है भाई। ये गेट है, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, और ये मैं हूँ। ओह, ये तो अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं और क्या होता है। खैर, तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपनी ट्रैकिंग, अपना ट्रैवल, अपने इस प्यारे से चैनल यहाँ ट्रैवलॉग में। हे गाइस, तो वहाँ से एंटर होते हुए हमें अपना मैप मिला है यहाँ का, जो वाकई बहुत घुमावदार है। बट आप समझ सकते हो कि ये जो यहाँ वन शो हो रहा है, यहाँ पर हमने यहाँ एंट्री लिया है, और आप यहाँ मीन्स एक तरीके से बैठा सकते हैं इस पूरे मैप को इस जगह के मुताबिक। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी और अपना ट्रैक और ब्लॉग भी, आगे चल के देखते हैं और क्या क्या है। ये हमारे अभिषेक भाई हमेशा से चल रहे हैं, उनकी फोटोज रह रही है, कोई बात नहीं। हे गाइस, आपको वहाँ गेट शो हो रहा होगा, जो पेड़ है उसके जस्ट अपोजिट साइड, और वहाँ से राइट मुड़ते वक्त आपको शो होगा ये मैप, ये यहाँ पर राइट में, और आप सीधे आ सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ। आप सीधे आ सकते हैं यहाँ ऊपर की तरफ, और यहाँ से ऊपर होते हुए आप अगर सीधे की तरफ जाएंगे तो आपको मीना बाज़ार शो होगा, जहाँ पर सुल्तान की बेगम या फिर उनकी जो वाइफ्स होती थी उनका बाज़ार होता था, पर्सनल बाज़ार, ठीक है। और जो पीछे का एरिया आपको दिख रहा है, वो वहाँ पर प्रजाजन रहते थे, इस किले की बात कर रहा हूँ मैं। और ये यहाँ कुछ गुंबद है, मीटिंग प्लेस है, ये हमारा सिटाडेल एरिया है जहाँ पर राजा रहते थे। और ये हमारे अभिषेक भाई, हाय, कैसे हो सब लोग, बताओ भाई कैसे। देखो, सही जगह है, ठीक है, दिल्ली की थर्ड सिटी है तुगलकाबाद फोर्ट,
ओके, तो वहाँ जो सामने की तरफ आपको शो हो रहा है वो देखो, जहाँ पर वो आपको पीले स्वेटर में शो हो रहा था, खैर छोड़ो, यहाँ पर, यहाँ एक कारागार है जो हमारे वीडियो में है, आप देख सकते हैं ब्लॉग में। और अब आते हैं इस जगह की खूबसूरत हिस्ट्री, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है, तो हिस्ट्री यहाँ, और वो कुछ मीन्स पैलेस का हिस्सा नहीं है, फोर्ट का हिस्सा, वो अभी फ़िलहाल में बना है, टॉयलेट है वो। ठीक, हे, गेट से आगे बढ़ती तरफ हमने लेफ्ट लिया और आते गए, और हमें ये कारावास मिला है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। वो दिस इज कॉल्ड कारावास, जेल थी पहले के जमाने, जेल थी पहले के जमाने में, देख सकते हैं आप सभी, इससे दिखाऊंगा नहीं कि मेरी बजी पड़ी है, गर्मी छोड़ भूतिया लग रही है मेरे को। पीछा लाइट्स आ रही है, बहुत तगड़ी है यार। ये है जो बाहर की तरफ है, यहाँ दिखा सकते हैं, ये है आपका एक जेल रूम, हाँ सुट्टेबाजों की जगह अब बन चुकी है, बट यहाँ कोई है नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। आइएगा तो दो तीन लोगों के साथ लेके आ जाएगा, मतलब इस जगह, इस जेल के अंदर आइएगा, ये आउटर एरिया। अरे भाई बहुत सही, ये हो गया पूरा लुक चेंज, अब हमें दिखा सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है। घना जंगल, घना जंगल घूम रहे हैं दो बंदर ही बोल सकते हैं। राय बंदी। तो आगे चलते वक्त हम हिस्ट्री पे आते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होंगे आप। ओके, यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसे ग्यासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक ने 1321 में बनवाया था, जैसा कि मैंने बताया था। उनका नेम गाजी मलिक था, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पंजाब के गवर्नर थे, बाद में मीन्स अलाउद्दीन खिलजी के बेटे आए, छोटे बेटे, उन्होंने राज किया, फिर बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मार दिया, फिर बड़े बेटे के मंत्री ने बड़े बेटे को भी मार दिया। तो एक मतलब एक स्टोरी चलती है कि जब मुबारक शाह अलाउद्दीन के बड़े बेटे जब सुल्तान थे, तब जो हमारे गाजी मलिक हैं वो एक सफ़र के दौरान उनमें बात हुई कि उन्होंने गाजी मलिक ने मुबारक शाह को ये एडवाइस किया कि देखो हमें ना एक जो पहाड़ है उसके ऊपर महल बनाना चाहिए सेफ्टी के लिए, मंगोल जब हम पे इन्वेड करेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सुरक्षा सही रहेगी। तो मुबारक शाह ने उसे मजाक में ले लिया और ये बोला कि भाई जब तुम सुल्तान बनना तब बनवा लेना, और शायद फ्यूचर सच भी हो गया, बन भी गया सुल्तान, क्योंकि मुबारक शाह के मंत्री ने उन्हें मार दिया और बदले के लिए गाजी मलिक ने उनके मंत्री को मार दिया, तो अब नया सल्तनत की शुरुआत हुई तुगलक वंश। तो उन्होंने राजा बनते ही, सुल्तान बनते ही तुगलकाबाद फोर्ट की नींव रख दी 1321 में, और स्टार्ट हो गई यहाँ की जो भी है मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद जब स्टार्ट हुई तो तुगल जो हमारे सुल्तान थे ग्यासुद्दीन तुगलक, उन्होंने पूरे दिल्ली में कह दिया कि जो भी यहाँ के मजदूर हैं सारे काम
तो हमारे जो सुल्तान हैं गियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने मीन्स कह दिया सारे मजदूरों को दिल्ली के कि भाई जो भी हो काम पहले मेरा ख़त्म होगा, पहले ये मेरा जो मॉन्यूमेंट है ये पैलेस है वो बनवाओ, फोर्ट बनवाओ। तो उस समय एक संत हुआ करते थे निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने वो भी अपने बावली या फिर आप कुआँ कह सकते उसका निर्माण करवा रहे थे। फिर उनका काम बीच में रुक गया, फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि सुल्तान जो भी तुम किला बनवा रहे हो वहाँ पर कुत्ते रहेंगे, गोजर रहेंगे, लेकिन वो बस नहीं पाएगा। तो श्राप को नज़रअंदाज करते हुए निर्माण चालू रहा और बन गया किला, जो हम देख भी पाते हैं बन चुका है, अभी आधे में नहीं है। फिर 1325 में बंगाल में हो गया रिवॉल्ट, विद्रोह हो गया। तो अब भाई हमारे गियासुद्दीन जी सुल्तान थे, चल दिए उन्होंने वहाँ पर। ये हमें एक कुआँ मिला है, एक सेकेंड। तो कुएँ के अंदर पेड़ है, ठीक है, कहाँ थे, हाँ बन गया और वो रिवॉल्ट को चल दिया दबाने, पहुँच गया, हो भी गया, रिवॉल्ट शांत हो गया। फिर जब वो वापस आए तो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने उनकी स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए लकड़ी की छावनी बनवाई उनकी सेना के आराम के लिए और उनके लिए भी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि रात के समय वो छावनी ढह गई, और ढहने का ये परिणाम हुआ कि चल दिए, उनका देहांत हो गया, मीन्स मर गया गियासुद्दीन तुगलक उसी के नीचे दबकर। और ऐसे तुगलक डायनेस्टी के पहले सुल्तान की मृत्यु हो गई, और जिन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बसाया वो भी नहीं रहा। तो दिक्कत ये हुई कि अब ये बात आती है कि खंडर कैसे हुआ, या मीन्स रहना चाहिए था, बट ये हुआ कि 1321 में बना था और 1327 में इसे मीन्स छोड़ दिया गया, सब नहीं छोड़ दिया, क्योंकि उनके जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनका है कि कहते हैं मन नहीं लगा उनका, और उन्होंने अपनी नई जो शहर है वो बसा दिया, जैसे हम जहाँपनाह के नाम से जानते हैं, द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली, और वैसे सही जगह है। बट कुछ लोग कहते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया, इसलिए यहाँ पे की जो पानी है वाटर रिजर्वर वो जहरीली हो गई, तो लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। और उनकी मौत के पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मीन्स कहानियाँ हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें जानबूझकर मार दिया ताकि वो राजा बन सके, पता नहीं। और एक निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप भी है, पता नहीं, खैर जो भी हो, आज हमने घूमा और आई थिंक मुझे तो बड़ा मज़ा आया। सही है, हाँ बंदर भी हैं, लेकिन ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दिखा सकता कि हम अकेले हैं। ओके, ये भी मज़ा आया भाई, मज़ा आया। ये सिटाडेल एरिया है और मैं एक टॉम या फिर आप गुंबद है ये, इसके ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर तो नहीं खड़ा हूँ, ऊपर बंदर तो नहीं गया मैं ऊपर। कैसा लग रहा हूँ, पब्लिक पब्लिक इन्हें रेड करो, मांगता है पब्लिक।